पहले मैं आलसी था, फिर मेरी लाइफ में आया चट जीपीटी, अब मैं काम चोर भी हूं। फिर मेरी मुलाकात हुई एक एआजेन से, अब मैं बेरोजगार भी हूं। लेकिन फिर मुझे मिला सेमी ऑटो वर्क फ्लो का साथ, अब मैं कस्टमाइज काम को ऑटोमेट कर सकता हूं बिना खराब रिजल्ट्स के। हाँ, मैंने भी एक एआई एजेंट बनाया था, उसके लिए ये वीडियो भी बनाई थी। हाँ, वो मुझे अच्छे आइडियाज़ भी भेजता था, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। वो आइडियाज़ बिल्कुल सोललेस और जेनेरिक थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे चैट जीपीटी से पूछा हो और उसने कॉपी पेस्ट करके दे दिया हो। देखो, अगर तुम एआई एजेंट्स का इस्तेमाल टेक्निकल वर्क के लिए कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, करते रहो। तुम्हें मीटिंग्स को ऑटोमेट करना है, तुम्हें बिलिंग संभालनी है, तुम्हें रिप्लाई ऑटोमेट करने, करते रहो टेक्निकल काम जो भी है करो। लेकिन जब उसमें क्रिएटिव काम जुड़ जाता है तब ऐसी तैसी हो जाती है बॉस, वहां गेम बिल्कुल ही बदल जाता है। और इसके मैं तुम्हें लॉजिकल रीजंस दूंगा। एग्जांपल के लिए ये देखो कैसे टॉपिक मुझे मिलते हैं एआई एजेंट से, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस यूजिंग एआई। वहीं मैं अगर सेमी ऑटो वर्कफ्लोस के आइडियाज देखूं तो वो कुछ ऐसा देगा, नो मनी नो प्रॉब्लम, स्टार्ट बिजनेस यूजिंग एआई फॉर फ्री। अब बताओ कौन सा टाइटल ज्यादा तुम्हें इंगेज कर रहा है और तुम उसको क्लिक करोगे। पहला वाला टाइटल बहुत ज्यादा जेनेरिक हो जा रहा है, और ऐसा क्यों है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरा वाला आपको रिलेटेबल फील करा रहा है, लेकिन मैंने तो एआई एजेंट बनाया था दूसरों को देख के और उनका तो काम कर रहा था, मेरा क्यों नहीं कर रहा। और फिर ये सेमी ऑटो वर्कफ्लो ने इतने अच्छे टाइटल्स कैसे बना दिए, उसका एक सिंपल सा रीजन है, चैट जीपीटी के अंदर मैं इतने महीनों से चैट कर रहा हूँ तो आपने ओपन एआई को एक परमिशन दे रखी होती है कि आप मेरी चैट्स का हिस्ट्री तैयार कीजिए, वो डेटा उनके पास है। अब जैसे मैं उससे चैट करता हूँ वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आंसर्स देना चालू करता है इन द लॉन्ग टर्म। अब मैं चैट जीपीटी से ऐसी कभी कभी टाइटल्स बनवा लेता हूँ तो उसने इस टाइटल की टेम्पलेट को याद कर लिया, जिससे मुझे ऐसे एंगेजिंग टाइटल्स देखने को मिलते हैं हर बार जब भी मैं उससे पूछता हूँ। अब एआई एजेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर पाता, उसकी तीन वजह देता हूँ। पहला, कॉन्टेक्स्ट का डेप्थ। एआई एजेंट तुम्हें बता देगा कि मेक अ वीडियो ऑन एआई ट्रेंड्स, वो बहुत पॉपुलर है आजकल, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि तुम्हारी ऑडियंस का क्या लेवल है, लास्ट मंथ कौन से टॉपिक ज्यादा एंगेज कर रहे थे तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहे हैं, मार्केट में अभी किन चीजों की सैचुरेशन है, ये सब इनविजिबल कॉन्टेक्स्ट हैं जो एआई एजेंट नहीं समझेगा और उस वक्त वो ऑटोमेशन में फिट नहीं बैठते। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, एआई एजेंट के पास रियल टाइम डेटा मौजूद नहीं है इस वक्त मेरे, वो मेरे लेटेस्ट वीडियोस के कमेंट नहीं देख सकता, मेरे टाइम स्टैम्प्स में लोगों ने क्या डाल रखा है वो नहीं देख सकता, कम्युनिटी टैब को रीड नहीं कर सकता, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो तक नहीं बता सकता। लेकिन उसको अगर बताना हो तो तुम्हें मैनुअली फीड करना पड़ेगा कि ये है सिस्टम भाई, अब इसके हिसाब से दे, और जब तक तुम देते हो वो आउटडेटेड हो चुका होता है, तो एआई एजेंट का ऑटोमेशन कहां तक वर्क करेगा। और मेरी स्किल्स भी तो बढ़ेंगी ना समय के साथ, लेकिन जो मैंने एआई एजेंट बनाया था वो मेरे हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बनाया था जो मैंने उसको दिया था। अब उसके बाद मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, स्किल्स डेवलप करी हैं, वो एआई एजेंट को नहीं पता, वो अभी भी पुराने डेटा के हिसाब से ही मुझे रिजल्ट्स देगा, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक डेथ नोट है। तीसरा, डेटा हंगर प्रॉब्लम। एआई एजेंट्स को मैसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। इमेजिन करो कि एक एआई एजेंट सेटअप करना है, पहले उसको तुम्हारी 50 प्लस वीडियोस के डेटा फीड करो, फिर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स दो, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस दो, ब्रांड वॉइस गाइडलाइंस दो, फिर एक कंटेंट कैलेंडर का पैटर्न बताओ। इसमें कितना टाइम लगेगा, शायद से हफ्ते। और अगर तुम्हें लगा कि हफ्ते बाद मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करनी है तो तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। अब सेमी ऑटो वर्कफ्लो का फायदा ये है कि मुझे 2 से 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए जो रेलेवेंट है, और पर टास्क के हिसाब से मैं उसे देता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में कमेंट ये आए हैं, या इस टॉपिक का ट्रेंड ये है, मेरी ऑडियंस का प्रोफाइल ये है, तो स्मॉल फोकस डेटा से मुझे क्विक और एक्शनेबल रिजल्ट्स मिलने लगे। और इससे ये समझ में आया कि सेमी ऑटो वर्कफ्लोस जो है वो डेटा एफिशिएंट चीता है, तो एआई एजेंट जो है वो डेटा हंग्री डायनासोर है। इसके अलावा एआई एजेंट गट फीलिंग को नहीं समझ सकता, जो मुझे आइडियाज रैंडमली शावर के अंदर आए हैं या वॉकिंग करते हुए आए हैं वो नहीं समझ पाएगा। ये हाँ, एक पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन वो आहा वाला मूवमेंट नहीं करेगा। तो एआई एजेंट्स आखिर है किसके लिए? कोऑपरेशंस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए गए थे एआई एजेंट्स,
क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है और वर्कफोर्स बहुत कम रहती है, और उनको एक टास्क एक पर्टिकुलर स्टाइल के हिसाब से ही करना है, वो चेंज नहीं करना है, उन्हें एक तरीके से ही काम करना है, क्योंकि उनका ब्रांड मैटर करता है वहाँ। तो वो AI एजेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं आपके मुकाबले। लेकिन अगर मैं कंटेंट इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपको यहाँ पर हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है और आप एक रोबोट बन जाते हो, ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते जिसके लिए तुमने ये चैनल बना रखा है। ब्रांड के लिए बना रखा है तो फिर ठीक है भाई करो, जिससे मेरी आउटपुट क्वालिटी 10 में से 6 हो जाती है। लेकिन अगर मैं क्रिएटिविटी पे फोकस करता हूँ, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता हूँ या कंटेंट क्रिएशन मेरा पैशन है, तो AI एजेंट उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए जो सेमी ऑटो वर्कफ्लोज होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर और आर्टिस्ट के लिए ही बने होते हैं। यानी कि AI की स्पीड और ह्यूमन क्रिएटिविटी का ब्लेंड मुझे मिलता है, रियल टाइम ऑडियंस पल्स में समझ सकता हूँ, कस्टमाइज्ड डेटा के हिसाब से मुझे वो पैटर्न्स दिखाएगा, मिनिमल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हर टास्क के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट का डिसीजन अच्छे से लिया जा सकता है, पर्सनलाइज्ड ब्रांड बनाया जा सकता है और क्रिएटिव कंट्रोल आपका रहता है, तो आपकी क्वालिटी 10 में से 9 हो जाती है। इसीलिए 6 महीने के इस टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि यार ये जो इंटरनेट पे जो बस फैलाया जा रहा है ना AI एजेंट्स का, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी को छोड़ के उस पर पूरी तरह जंप करेंगे तो वहां चीजें नुकसान होना चालू हो जाती है। और ये मैंने अपने पिछले कुछ महीनों में ऑब्जर्व करके रखा है, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, और इसके मैं जितने भी सबूत है मैं आपको आखिरी में दूंगा। पहले ये समझते हैं कि ये मेरा सेमी ऑटो वर्कफ्लो काम कैसे करता है और क्या है ये वर्कफ्लो। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है सेमी ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली काम तो होगा लेकिन उसमें आपका भी इंटरवेंशन रहेगा। तो उस हिसाब से हमने एक रूल बना रखा है भैया कि 60% अपना काम करो, खुद मैन्युअली काम करो, 30% AI टूल्स से लो और 10% ग्रोथ ऑटोमेशन इंजन में इन्वेस्ट करो, जिससे एक बेहतरीन कॉन्टेंट बिजनेस का वर्कफ्लो बनता है। अब इस वर्कफ्लो की शुरुआत होती है थिंकिंग से, सोचने से। एग्जाम्पल के लिए, इस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो आएगा? वैसे तो शॉर्ट वीडियो ही आएगा, लेकिन किस टॉपिक पे होगा, क्या बनाया जाए, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, लोग उस पर थूकेंगे या उस पर खैर। वैसे तो इस स्टेज के ऊपर आप अगर 100% मैन्युअली काम करो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इंसान हैं और जब AI पास में है तो क्या दिक्कत है भाई। अगर आ जाए मैन्युअली या नेचुरली आपको आइडियाज आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिव ब्लॉक, तो वहां हम AI का यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने YouTube डैशबोर्ड के ऊपर, ऑडियंस मेरी पिछले हफ्ते से क्या देख रही है, किन चैनल्स को देख रही है, उन चैनल्स के टाइटल्स क्या है, मेरी ऑडियंस अभी मेरे चैनल पे क्या देख रही है, मेरी टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस क्या है। इन डेटा पॉइंट्स के या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, फिर ChatGPT के अंदर जाओ, जितने भी स्क्रीनशॉट्स तुमने लिए हैं उनको अपलोड करो और मैं ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दूंगा और उसके बाद ये मुझे उस हिसाब से टाइटल देगा, कस्टमाइज टाइटल देगा जो मेरी ऑडियंस अभी देखना चाहती है, या उससे रिलेटेड आइडियाज देगा जिससे जो है वो मेरी नीच में मैं रहूं और साथ ही कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी अच्छे से हो सके। और ये जो टाइटल्स वो मुझे देगा वो रियल टाइम डेटा के बेस पे होगा, और जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं इस वीडियो के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी भी मुझे टाइटल्स पसंद नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा जेनेरिक लग रहे हैं, तो मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा, एंटर करूंगा और अब मुझे ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज मिलना चालू है। तो फालतू के उन चक्रों में मत फंसो कि 30 दिन का कॉन्टेंट एक प्रॉम्प्ट में बना दूंगा, ठीक है बन सकता है, लेकिन उसका मतलब क्या? तो आपको यहाँ पर हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है। उसके बाद मैं स्टेज 2 के अंदर जाता हूँ वर्कफ्लो की, रिसर्चिंग। इसमें आप 80% मैनुअल काम करो, 20% AI टूल्स का इस्तेमाल करो, अगर आपका टॉपिक उस हिसाब से है तो। अगर मेरा टॉपिक कोई डॉक्यूमेंट्री के रिलेटेड आया है, एग्जांपल के लिए ये टॉपिक हम लेके चलते हैं, इसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए मैं परप्लेक्सिटी के ऊपर जाऊंगा, इसको ये टॉपिक दूंगा और ये मुझे पूरा रिसर्च पेपर तैयार करके दे देगा। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा क्लटर्ड है और बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा, एंटर करूंगा और मुझे लिस्टिकल फॉर्म्स में वो जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। इवन आप इसमें प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी मुझे ये भी बता देगा कि इन सारे डेटा पॉइंट्स का सोर्स क्या है, ताकि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। फिर आते हैं हम अपने वर्कफ्लो के तीसरे स्टेज, स्क्रिप्टिंग पे। अब यहां मैं आपको कहूंगा कि 60% आप मैन्युअली काम करो, 40% AI को दो। ले भाई तू। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ नोशन पे। अभी हमने पूरा नोशन का सिस्टम बना रखा है कि इतनी वीडियोस पे आगे काम करना है, इतनी चल रही हैं और इतनी पब्लिश हो चुकी है। खैर इसको बताने का कोई तुक नहीं बनता, मैं बस फ्लेक्स कर रहा था। मजा तब आता है जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखने चालू करता हूँ। अब मेरी खास बात यह है कि मुझे नेचुरली पहली दो लाइनें अपने आप मजेदार आ जाती है कि मुझे क्या करना है वीडियो में हुक करने के लिए।
एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया, थोड़े जूते भी खाए हैं उसकी वजह से, तो उससे और ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ गया मेरा। तो पहली दो लाइंस मैं क्लियर कर लेता हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है और कैसे मैं इंटरेस्टिंग तरीके से हुक कर सकता हूँ। वैसे हुक कैसे कर सकते हैं, उसके क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। मुझे एक भयंकर क्रिएटिव ब्लॉक था इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त। पहली 4-5 लाइनें तो मैंने बढ़िया से लिखी, फिर उसके बाद मुझे सूझ ही नहीं रहा था कि इस कंटेंट को कनेक्ट कैसे करूं। तो मैं गया सीधा क्लॉड पे। क्लॉड ने अपना 4.5 सोनेट जो है अब रिलीज कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा कैपेबल है और क्रिएटिव काम करने में, और फ्री में भी यूज कर सकते हो, बस डे कैप लगा हुआ है इसके अंदर। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, अपनी जो कुछ लाइंस लिखी हुई थी मैंने उसको बता दिया कि स्टार्ट तुम्हें यहीं से ही करना है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब इसके आगे का कॉन्टेंट तू बता थोड़ा क्या करना चाहिए। एंटर करेंगे और ये बताना चालू करेगा। अबे स्क्रिप्ट लिख रहा है, ग्रंथ लिख रहा है। अब मजे की बात यह है कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट तो यार मजेदार नहीं लग रही, उसमें मुझे एडिट करने पड़ेंगे। जो पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, यार इसने अच्छा बनाया है ये चीज, अच्छी से कनेक्ट मैं आगे कर सकता हूँ, वो पार्ट लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसके आगे की थोड़ी सी और लाइंस लिखी मैंने ताकि और ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन हो सके। एग्जाम्पल के लिए ये जो पार्ट था तो भी ये करो, लेकिन जब उसमें क्रिएटिव काम जुड़ जाता है वहां गेम बिल्कुल ही बदल जाता है, और इसके मैं तुम्हें लॉजिकल रीजंस दूंगा। ये एआई जनरेटेड था, लेकिन इसके बाद वाला एग्जांपल के लिए ये देखो कैसे टॉपिक मुझे मिलते हैं एआई एजेंट से। ये मैनुअल स्क्रिप्ट के ऊपर था। इससे क्या होता है, आपके पास एआई की क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन कायदे के हिसाब से इसमें मैनुअली 60% काम होना चाहिए, और एक हफ्ते पहले एटलीस्ट आपका जो वीडियो पब्लिश होने वाला है उससे पहले स्क्रिप्ट बन जानी चाहिए। और स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी। फिर आता है हमारे वर्कफ्लो का स्टेज 4, आइडिएशन। वैसे इस स्टेज को आप स्किप भी कर सकते हो, हम भी कभी कभी स्किप कर लेते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज तब बन जाती है जब हमें विजुअली कोई चीज दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने एक गाना सुना, पहले गाना नहीं था, सिर्फ डायलॉग्स थे, फिर हम गए चैट जीपीटी पे, हमने चैट जीपीटी से पूछा कि यार इसमें क्या किया जाए, क्या विजुअल्स हम डाल सकते हैं। तो उसने कहा कि एनिमेशन के विजुअल्स आप डाल सकते हैं, ड्रॉ एनिमेशन के, जिससे ये सिंपल भी लगे और मजा भी आया देखने में। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें गाना भी डाल देना चाहिए, तो मैं सुनो एआई पे जाके अब मैंने म्यूजिक डाल दिया इसमें। लेकिन अगर विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको करनी है तो उसके लिए मैं मिड जर्नी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पूरे मिड जर्नी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम मिड जर्नी पे जाएंगे, एक्सप्लोर के ऑप्शन पे जाएंगे और स्टाइल्स के ऑप्शन को चूज करेंगे, तो अब यहाँ पर मुझे स्टाइल्स के आइडियाज मिलना चालू होंगे कि किस स्टाइल में मुझे वीडियो को आगे परस्यू करना है। जैसे इस वीडियो में आपने ज्यादातर स्क्रिबल स्टाइल नोटिस किया होगा, हर वीडियो का स्टाइल हम कोशिश करते हैं कि अलग हो, तो उस स्टाइल्स की जो इंस्पिरेशन है हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने वर्कफ्लो के स्टेज 5 पे। अब हमने स्टाइल्स तो बना लिए, लेकिन उसमें अगर फोटो एडिटिंग करनी है या उसके अंदर और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लाना है, तो उसके लिए हम जाते हैं नैनो बनाना पे, और वहां एडिट कर सकते हैं अपनी फोटो को। या अगर आपको नैनो बनाना अच्छा नहीं लग रहा है आजकल, तो रेवे पे भी जा सकते हो। तो नैनो बनाना, रेवे और मिड जर्नी हमारे 3 गो टू फोटो एडिटिंग एआई टूल्स में आ जाते हैं। और मैं एक और चीज ऐड करना भूल गया, हम वीडियो जनरेशन के लिए रनवे ML का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, जितने भी मैंने टूल्स बता रहा हूँ उन पे ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, ये दो वीडियोस में मैंने रनवे और चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया है। फिर आते हैं हम अपने वर्कफ्लो के स्टेज 6 पे, मोशन ग्राफिक। वहां पर हम एआई टूल्स का नहीं, एआई फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिड जर्नी और क्लिंग हमारे दो हथियार हैं इस स्टेज के ऊपर। मिड जर्नी से हम जो स्टाइल हमने चूज किए हैं आइडिएशन के वक्त, उन स्टाइल से हम फ्रेम्स बनाते हैं जो स्टोरी से जुड़ पाए, और उसे क्लिंग पे ले जाके क्लिंग के स्टार्ट और एंडिंग फ्रेम फीचर से उसे सिलेक्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं, जेनरेट करते हैं, और हमारा मोशन एनिमेशन तैयार हो जाता है, जिसको हम बीरोज के तौर पे वीडियोस में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने स्टेज 7, कैराउजल्स। इवन बहुत से मुझे कमेंट्स भी आए कि आप अपने कैराउजल्स कैसे बनाते हो एआई के जरिए। दोस्त, एआई इसमें सिर्फ 10% पार्ट निभाता है, 90% खुद ही करना पड़ता है। इवन मोशन ग्राफिक्स और फ्रेम एडिटिंग में भी एआई जो है वो 20% ही कंट्रीब्यूट करता है, बाकी हमारा सारा काम मैनुअल रहता है, ताकि हम और ज्यादा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। लेकिन फिर भी अगर हमें कैराउजल्स में भी क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा, तो उसके लिए मैं जाता हूँ परप्लेक्सिटी के ऊपर। अब परप्लेक्सिटी के ऊपर ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद अपना टॉपिक चूज करता हूँ मैं कि किस टॉपिक पे कैराउजल्स बनाने हैं, तो वो मैं इसे दे देता हूँ, और मुझे ये बहुत सारे कैराउजल्स के आइडियाज दे देगा विद स्लाइड्स के आइडियाज कि हर स्लाइड में क्या दिखाना चाहिए आपको। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे ये वाली स्लाइड पसंद आई है, तो मैं मिड जर्नी पे जाके इसके फ्रेम बना सकता हूँ पहली स्लाइड के लिए,
जैसे कि हमने अपने इंस्टाग्राम पे बना रखे हैं यार, और ये पोस्ट जो था वो मिलियंस ऑफ व्यूज पे पहुंचा, ये पूरा AI जनरेटेड था। बाकी इसमें डिजाइनिंग खुद करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी कैरोसेल्स जो है वो ऑलरेडी परप्लेक्सिटी प्रोवाइड कर देता है, जो हमें सिर्फ उसकी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है, क्योंकि हमारा जो बेसिक आइडिएशन होता है वो ज्यादातर डिजाइन और उसके कॉन्सेप्ट पे होता है। उसके बाद AI आपको कैप्शन अगर दे तो वो आप लिख लो, और यहाँ हमारे कैरोसेल्स बन जाते हैं। फिर हम जाते हैं अपने वर्कफ्लो की स्टेज 8 पे, न्यूज़लेटर्स। न्यूज़लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कोशिश की है कि एक कम्युनिटी को लेकर चलें इस न्यूज़लेटर के अंदर। सबके पास एक्सेस नहीं होता, जो सब्सक्राइब करता है उसी को मिलता है ये न्यूज़लेटर, और हाँ सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो न्यूज़लेटर का फंडा सिंपल है, मैं एक टॉपिक चूज करता हूँ जो कि रिलेटेड होता है हमारी रील्स के साथ या शॉर्ट वीडियोस के साथ, लेकिन उसमें और अच्छे तरीके से मैं एलैबोरेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्लॉड पे जाता हूँ और क्लॉड का जो प्रोजेक्ट्स फीचर है उसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये एक इनबिल्ट AI एजेंट की तरह काम करता है। मैं क्लॉड को डेटा देता हूँ, क्लॉड उसके हिसाब से न्यूज़लेटर को डिजाइन करता है जिस हिसाब से मुझे चाहिए होता है, और अगर मुझे उसमें कोई गलती लगती है तो वो मैं क्लॉड से ही ठीक करवाता हूँ। लेकिन फिर इससे हम एक फनल बनाते हैं जो कि हमारे वर्कफ्लो का स्टेज 9 है, ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन किस चीज का? DMs का। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है अब DMs को ज्यादा सपोर्ट करने लगा है, इसलिए आपको अब देखने और सुनने को मिलता होगा DM करो, क्योंकि उससे एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है दोस्त। और ये मैंने अपने 4-5 रील्स में ऑब्जर्व करा हुआ है कि जिसमें मैं बोलता हूँ कि DM करो, वो व्यूज के मामले में इतने पे पहुंच जाती है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए लोग ज्यादातर मैनी चैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यार मेरे पैसे बहुत कीमती हैं यार, मजा नहीं आता यार, फ्री में मिल जाए तो मजा आ जाए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सुपर प्रोफाइल के ऊपर। सुपर प्रोफाइल पे हम अपना इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करते हैं, और जो भी पोस्ट आता है उसके बाद हम वो ऑटो DM में लगा सकते हैं। इवन मेरे कुछ DMs भी ये रिप्लाई कर देगा, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि भाई खुद जवाब दो तो बेहतर है, फिर हम रोबोट थोड़े ना। और इस पूरे सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्टेज 10 आता है, सिस्टम बिल्डिंग। वो हम नोशन AI से करते हैं। वैसे वो फ्री तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं फ्री में, फिर वो पेड सब्सक्रिप्शन पे चला जाता है। तो नोशन AI जो है वो सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वर्कफ्लो याद रख लो, सिंपल सा वर्कफ्लो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने एक सिंपल सी बात सीखी, सेमी ऑटो वर्कफ्लोस कैसे काम करते हैं। आपकी रियल टाइम ऑडियंस सिग्नल करती है आपको, आप उन सिग्नल्स को समझते हो, उसके ऊपर एक एक्शनेबल कॉन्टेक्स्ट बनाते हो और AI को दे देते हो। AI उसे प्रोसेस करता है और एक स्पीड और स्केल आपको मिलती है, वो आपको वो प्रोवाइड करता है, आप उसमें जान डालते हो और आपका एक कंटेंट प्रीमियम कंटेंट बनके निकलता है। शायद ये AI एजेंट वाले वर्कफ्लो से बेटर है अगर आपका मोस्टली काम वेरिएबल पेस पे होता है। फिक्स्ड पेस पे है तो आप AI एजेंट्स का यूज करो। फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन एक ब्रिज है आपके बीच और AI के बीच, आपको उस ब्रिज पे रह के काम करना है। ये ना पूरी तरह मैनुअल होना है, ना पूरी तरह AI ऑटोमेटेड होना है। इवन ये चार्ट देखो, लगातार 2 महीने मेरे कंटेंट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही नहीं थी। उसका कुछ इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि AI एजेंट एक हद तक था। फिर हम बैठे, हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, AI एजेंट जो है वो फिक्स्ड वर्कफ्लो वाले लोगों के लिए है, हम वेरिएबल वर्कफ्लो वाले हैं। तो हमने खुद अपना सेमी ऑटो वर्कफ्लो बनाया जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमें रिजल्ट्स भी बेहतर मिले। और अब आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी में एक अच्छा जंप देखने को मिला है पिछले हफ्ते से ही। फिर आप कहोगे टाइम बचेगा, रिजल्ट मिलेगा, कॉस्ट का क्या होगा? क्या होगा कॉस्ट का? उसके लिए हमें सियाना बनना पड़ेगा, और वो सियाना बनने के लिए ये वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।